तो गाइस अभी ना आप सभी को एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती होगी। जो भी ये सैमसंग का फ़ोन है तो इसके अंदर आप जैसे ही कोई भी एक होम बटन को प्रेस करते होंगे तो शायद होम बटन भी ये वाली वर्क, इवन काफ़ी फ़ोन्स के अंदर जो होम बटन है वो शो ही नहीं कर रही, यानी कि आप जैसे इसके ऊपर टैप ऑन करते हैं तो आपको ये मैसेज देखने को मिल जाता होगा, डैट इज़ द क्नॉस सिक्योरिटी पॉलिसी रेस्ट्रिक्ट दिस एक्शन। तो चलो मैं आपको सिंपल से भी बता देता हूँ कैसे ये प्रॉब्लम ठीक होगी यदि आपके भी फ़ोन में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है। और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको और क्या प्रॉब्लम आ रही है इस फ़ोन के अंदर। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मेरे ये वाला होम बटन वर्क नहीं कर रहा या फिर शो ही नहीं कर रहा है, और ये प्रॉब्लम कब से आनी शुरू हुई ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले बात दोस्तों इस चीज़ को समझो आप कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है। देखो ये प्रॉब्लम तभी आई है जब लोग यहाँ पे वॉलपेपर चेंज करने जा रहे हैं या तो फिर किसी का वॉलपेपर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये वाले फ़ोन के अंदर वॉलपेपर चेंज नहीं होता था, राइट। तो अब देखो ना काफ़ी लोगों ने इसके अंदर जुगाड़ लगा लगा के बताया कि भाई तुम ना इसके अंदर जाओ इस तरीके का एक ऐप यूज़ करो एंड वहाँ पे जाके तुम इसके अंदर एक कस्टम वॉलपेपर लगा सकते हो, राइट। और यही नहीं काफ़ी लोगों ने तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जा जाके पता नहीं कौन कौन सी ऐप्स को डाउनलोड करा इस फ़ोन के अंदर था। तो सबसे पहले तुम्हें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि भाई ये फ़ोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है और ये फ़ोन पूरा ही गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल करा जाता है। इसके अंदर जितनी भी, अब जैसे कि हमारे पास ये नॉर्मल फोन्स होते हैं तो ये जो है पूरे ही एंड्रॉयड वर्जन पे वर्क कर रहे होते हैं, बट इसके अंदर जो है एंड्रॉयड वर्जन पे ये भी वर्क कर रहा है, बट इसके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं सिक्योरिटी एंड ये सभी चीज़ें टोटली डिफरेंट हैं इन नॉर्मल फोन्स के मुकाबले, ठीक है। तो अभी देखो तुम्हें करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आप काम करो, जो भी आपने टेलीग्राम से जाकर या फिर कहीं से भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करा था वॉलपेपर को चेंज करने के लिए, सबसे पहले जाओ उस वाली ऐप को, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए तुमने किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी वो एप्लीकेशन हो सकती है वॉलपेपर चेंज करने को लेकर, तो आप क्या करो सबसे पहले उसको इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करके रखो एंड उसकी ऐप इंफॉर्मेशन पे जाओ, ठीक है। आपको ऐप इंफॉर्मेशन पे जाना है और ऐप इंफॉर्मेशन पे जाने के बाद सबसे पहले आप उस एप्लीकेशन को इस तरीके से फोर स्टॉप कर दो, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन आपने वॉलपेपर चेंज करने को लेकर यूज़ करी थी, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा स्टोरेज एंड कैचेस, यहाँ पे जाने के बाद क्लियर कैच कर दो और 5 सेकंड वेट करो। देन आपको मैनेज स्पेस पे जाकर यहाँ पे स्टोरेज के ऊपर डाटा के ऊपर भी क्लिक कर दो और क्लियर कर दो। अभी टोटल एप्लीकेशन जो है फोर स्टॉप हो जाएगी, अभी बैकग्राउंड में वर्क नहीं करेगी। आप चाहो तो आप उस ऐप को डिलीट भी कर सकते हो या तो फिर फ़ोन में रहने दो। अब देखोगे कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी ना वो वाली जो आपको बता रहा हूँ क्नॉक्स सिक्योरिटी वाली, वो हट जाएगी। इतना ही करना है। अगर आपके फ़ोन के अंदर होम बटन वर्क नहीं कर रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, वैसे होम बटन वर्क करना शुरू कर देगा। क्योंकि रीज़न क्या है, ये सारी प्रॉब्लम तभी आई जब आपने वॉलपेपर चेंज करा है उसी के बाद आनी शुरू हुई है। तो अगर आप ये वाली प्रॉब्लम ठीक कर लेंगे पहले वाली, तो ऑटोमेटिकली जो होम बटन वर्क नहीं करी थी या फिर शो नहीं करी थी वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करा ईमेल पे कि भाई मुझे प्रॉब्लम आ रही, तो डेट्स है मैंने वीडियो बना दी। सबसे पहले आप काम करो, जो आप वॉलपेपर वगैरह यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो आप उसको हटा दो, उसको आप फोर स्टॉप करके डिलीट कर दो, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपका बटन वर्क करता है रीस्टार्ट करने के लिए आप उसको इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे फोन के अंदर इस तरीके से जाता हूँ पावर ऑफ पे, यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन आता है, तो अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लो। बस इतना करने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और कुछ भी आपको नहीं करना है। होप सो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच गाइस।